तो वही राजस्थान के बूंदी जिले के इंदरगढ़ में है बीजासन माता का प्रमुख धार्मिक स्थल। इतिहास पर अगर गौर करें तो मंदिर का निर्माण बूंदी के शासक राव शत्रुसाल के छोटे भाई इंद्रसाल ने अपने नाम पर इंद्रगढ़ बनवाया था। इस दौरान उसने यहाँ की पहाड़ी पर कई भव्य किले, मंदिर और महल भी बनवाए। बीजासन माता मंदिर इसी विशाल पहाड़ी पर मौजूद है, जिसका अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं बीजासन माता का धार्मिक महत्व। जो जैसी नियत रखता है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बूंदी जिले का प्रमुख धार्मिक स्थान है बीजासन। इंदरगढ़ में है बीजासन माता का भव्य मंदिर। राव शत्रुसाल के छोटे भाई इंद्रसाल ने बनवाया था मंदिर। इंद्रसाल ने अपने नाम पर बनाया था इंद्रगढ़। विशाल पहाड़ी पर मौजूद है माता का मंदिर। मंदिर तक जाने के लिए चढ़नी होती है 700-800 सीढ़ियां। दूर दूर से मनोकामना मांगने आते हैं माता के। बीजासन माता मंदिर तक जाने के लिए भक्तों को 700 से 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वैसे तो बीजासन माता मंदिर भक्तों के लिए साल भर खुला होता है, लेकिन यहां जाने का अच्छा समय नवरात्रि ही है। यहां का मौसम अक्टूबर से मार्च तक सुहावना होता है और गर्मी भी कम होती है। इसी दौरान मंदिर में विशाल मेला लगता है। ये मंदिर पवित्र है कि दूर दूर से भक्त माता से मनोकामना मांगने आते हैं। यहाँ पर भक्त पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं। इसी के साथ नवविवाहित जोड़े अपनी वैवाहिक जीवन की पहली यात्रा यहीं से शुरू करते हैं और नवजीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की मनोकामना करते हैं। इसके अलावा कई मांगलिक अवसरों पर भक्त माता के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बीजासन देवी मंदिर के इतिहास पर अगर हम गौर करें तो 2000 साल पहले भक्त कमलनाथ को देवी दुर्गा ने दर्शन दिए थे। बताया जाता है कि कमलनाथ देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी आस्था और श्रद्धा से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। एक पौराणिक कथा के चलते यहाँ बीजासन माता की मूर्ति को स्थापित किया था। माता की ये मूर्ति राक्षस रक्त बीज के ऊपर विराजमान है। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा के कई महान कार्यों का वर्णन है, जिन्हें अब श्री दुर्गा सप्तशती के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में वर्णन है कि कैसे देवी दुर्गा ने रक्त बीज के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसे कई असाधारण वरदान प्राप्त थे। इसे खत्म करने के लिए देवी ने एक उपाय निकाला और उसके खून को धरती पर गिरने नहीं दिया। साथ ही देवी ने कई रूप धारण कर ली। ऐसा करके देवी ने रक्त बीज का खात्मा कर दिया। तभी से माता को बीजासन देवी कहा जाने लगा। श्री दुर्गा के अन्य सभी मंदिरों की तरह बीजासन माता में नित्य पूजा अर्चना विधि विधान से होती है। यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और दिन में 4 बार आरती की जाती है, जिसमें मंगल भोग संध्या और शयन आरती शामिल है। बीजासन देवी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी का चमत्कार तुरंत देखने को मिलता है। ये भी माना जाता है कि माता की कृपा से नेत्रहीन को दृष्टि मिल जाती है। यहाँ भक्त माता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्रार्थना के लिए आते हैं।
इस मंदिर के प्रति लोगों का दृढ़ विश्वास है कि माता उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। यहां आकर माता के दर्शन और कामना पूरी होने के साथ भक्तों को पहाड़ी के चारों ओर के परिदृश्य का शानदार नजारा देखने को मिलता है। मंदिर के पास से पर्यटक आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, जो कि मन को खुश कर देता है। A1 टीवी के लिए बूंदी से कमलेश शर्मा की खास रिपोर्ट। फिर कहो कवि लोग धम करोली कैला।